तो देखिए, जैसे जैसे कोरोना वायरस के बारे में नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं, वैसे वैसे नए नए लक्षण भी बीमारी के सामने आ रहे हैं। कोरोना के ये जो नए नए लक्षण सामने आ रहे हैं, इससे भी हड़कंप मचा हुआ है। मांसपेशियों में दर्द होने पर भी अब चौकन्ना हो जाना चाहिए। कोरोना का डर जो है वो इसमें भी है। पाचन तंत्र में गड़बड़ी भी कोरोना का लक्षण हो सकता है। ऐसे लक्षण होने पर अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो नए नए लक्षण कोरोना वायरस के संक्रमण के अब लोगों में सामने आ रहे हैं और ये तमाम जानकारियां भी परेशानी बढ़ाने वाली है। और कोरोना को लेकर एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें। नियमित व्यायाम करने वाले जल्दी दे रहे हैं कोरोना को मात। यानी अगर आप रेगुलर तौर पर एक्सरसाइज कर रहे हैं या करते हैं तो आप कोरोना वायरस के संक्रमण को जल्दी मात दे सकते हैं, कोरोना को जल्दी हरा सकते हैं। आगरा मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट में ये नई जानकारी सामने आई है। ऐसे लोगों में कोरोना के कम लक्षण भी पाए गए जो नियमित तौर पर एक्सरसाइज करते थे। क्या चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त लोगों को कोरोना से कम खतरा है? क्या रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले जल्दी कोरोना से ठीक हो रहे हैं? क्या गंभीर बीमारियों से दूर रहने वाले कोरोना को जल्दी दे रहे हैं मात? इन सारे सवालों का जवाब आगरा मेडिकल कॉलेज की एक रिपोर्ट में सामने आया है जो सुकून देने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक नियमित रूप से व्यायाम करने वाले संक्रमित 5 से 6 दिन में ठीक हो गए। इनमें कोरोना के लक्षण भी बहुत कम आए। शरीर पर संक्रमण का प्रभाव ना के बराबर रहा, ना इनकी सांस फूली और ना निमोनिया हुआ। जिन लोगों में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा जैसी बीमारी नहीं थी, उन पर कोरोना का असर ज्यादा नहीं पड़ा। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बयान दिया है कि कोरोना वैक्सीन के मापदंडों को लेकर किसी भी तरह का समझौता हिंदुस्तान में नहीं किया जाएगा। भारत में 3 स्वदेशी समेत 8 कोरोना वैक्सीन पर इस वक्त काम चल रहा है। दुनिया पर काल बनकर टूटे कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रही है। भारत समेत दुनिया के कई देश कोरोना वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। भारत में 3 स्वदेशी समेत 8 कोरोना वैक्सीन का निर्माण चल रहा है। कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बड़ा बयान दिया है। हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन के मापदंडों को लेकर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। वैक्सीन का असर देखने और वैज्ञानिकों से इजाजत मिलने के बाद ही वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत दी जाएगी। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन से लेकर इंडिया में कई वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।